नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़ोतरी के बाद डीए 9% हो गया है। इस बढ़ोतरी का फायदा 1.10 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में सरकार के गठन को लेकर भाजपा हुई सक्रिय। जम्मू कश्मीर में फिर से सरकार के गठन को लेकर सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही हैं। अभी सरकार के गठन को लेकर अब जमीनी स्तर पर हलचल दिखना शुरू हो गई है। भाजपा ने बुधवार को त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में अहम बैठक बुलाई। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो राज्य में सरकार का गठन करना बैठक का मुख्य एजेंडा है। पार्टी के सभी विधायकों, एमएलसी, प्रदेश पदाधिकारियों व वरिष्ठ नेताओं को इस बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव के बेटे का कांग्रेस पर पलटवार। तेलंगाना में जैसे तैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कांग्रेस और सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। दोनों पार्टियां एक नए मामले को लेकर आमने सामने हैं। इस विवाद की शुरुआत तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष एन उत्तम कुमार रेड्डी के उस बयान से शुरू हुई जिसमें उन्होंने राज्य के आईटी मंत्री व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बेटे केटी रामा राव ने पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मेरठ में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना का शुभारंभ आज। शहर से डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना का आज शुभारंभ होगा। इसके लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में आयोजित कार्यक्रम में कमिश्नर, सांसद, विधायक मौजूद रहेंगे। नगर निगम द्वारा प्रथम चरण में शहर के 90 में से 20 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना शुरू की जाएगी। प्रत्येक वार्ड में 2-2 नई कूड़ा गाड़ी लाई जाएंगी जिसमें सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग रखा जाएगा। कार्यक्रम में ऑनलाइन हाउस टैक्स प्रक्रिया सॉफ्टवेयर का भी शुभारंभ किया जाएगा। चीन को भारी पड़ी एक बच्चे की नीति, अब बदलेगा कानून। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन अब अपनी दशकों पुरानी वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर सकता है। चीन के एक सरकारी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ड्राफ्ट सिविल कोड में फैमिली प्लानिंग से संबंधित सामग्री को हटा दिया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नई नीति में दंपतियों के लिए बच्चा पैदा करने की लिमिट बढ़ाई जाएगी या फिर इससे सभी प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। चीन ने की रोहिंग्या मुद्दे के राजनीतिक समाधान की मांग, कहा एक तरफा आरोप नहीं करेगा काम। म्यांमार के सैन्य शासक का समर्थन करने वाले चीन ने रोहिंग्या मुद्दे के राजनीतिक समाधान की मांग की। उसने कहा कि एक तरफा आरोप और दबाव काम नहीं करेगा। चीनी विदेश मंत्रालय का यह बयान संयुक्त राष्ट्र के जांच अधिकारियों के सेना प्रमुख समेत म्यांमार के शीर्ष सैन्य नेताओं के खिलाफ देश में रोहिंग्या मुसलमानों के नरसंहार के लिए मुकदमा चलाने की मांग किए जाने के बाद आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल पर लगाया छवि खराब करने का आरोप, कर सकते हैं कार्रवाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गूगल पर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है। अब वे दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में हैं। ट्रंप का कहना है कि जब से वे राष्ट्रपति बने हैं मीडिया उनके खिलाफ खबरें चला रहा है। वहीं उनके खिलाफ नकारात्मक खबरें सर्च करने में गूगल अहम भूमिका निभा रहा है। अपने ट्विटर पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, ट्रंप लिखने पर गूगल सर्च रिजल्ट में सिर्फ मेरे खिलाफ नकारात्मक खबरें दिखाता है, यह फेक न्यूज मीडिया है। अब रोजाना नहीं पता चलेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। तेल कंपनियों ने अब अपनी वेबसाइट पर रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में जानकारी को देना बंद कर दिया है। देश की कई सरकारी तेल कंपनियां अपनी वेबसाइट पर इस सुविधा को बंद कर दिया है। कंपनी की वेबसाइट पर केवल आपको पिछले दिन की कीमत के बारे में जानकारी मिलेगी। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का आज 113वां जन्मदिन। आज हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का 113वां जन्मदिन है। आज ही के दिन सन 1905 में दुनिया के इस महान खिलाड़ी का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रियंका निक के रोका सरमनी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। निक जोनास और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी दुनिया भर में पॉपुलैरिटी बटोर रही है। वैसे भी इन दिनों प्रियंका चोपड़ा निक से मिलने के लिए विदेश गई हुई हैं और दोनों की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन जबरदस्त वीडियो हाल ही में आया है जिसमें पंजाबी गाने पर प्रियंका चोपड़ा की मम्मी निक जोनास की मॉम डेनिस जोनास के साथ डांस कर रही हैं। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक देखते रहें और सब्सक्राइब करें न्यूज़ लाइव।